आप देख रहे हैं दोस्तों कि सुबह 6 बजे उठते हैं बच्चे, उसके बाद अभी रात को 12 बजे उनके चेहरे पे कहीं थकान नहीं है। इसलिए बोलते रहे, आदमी काम को एंजॉय जब करता है ना, थकान नहीं आती है। 12 बजे इस प्रकार से बच्चे निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। अभी हमने आपको अंदर से कैंप दिखाया, अब आप देखो बच्चे छूटना स्टार्ट हो गए हमारे। दो सीढ़ियां हैं, दोनों सीढ़ियों से आप देखो पैरेलल बच्चे इधर से भी निकल रहे हैं, एक बच्चा सीढ़ियां इधर से आएंगे, दोनों सीढ़ियां काम लेते हुए बच्चे बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं सारे बच्चे कैंप छूट रहा है, बाहर को ड्रोन से दिखाया जाएगा। ये एक बिल्डिंग कैंप छूटा हमारा, एक बिल्डिंग कैंप छूटा है। यहाँ से ये हमारे गार्जियन साथी हैं जो बच्चों लेने के लिए आए। आप यहाँ लेके आए कैमरा, एक बार बच्चों लेने के लिए आए तो आप साथ फिर बच्चों कैंप भेजते हो, कारण यार ठीक पढ़ाई होती है आपके साथ, क्या बात है। ठीक है बच्चा, संतुष्ट है। आप देखो ये निकल रहे तपोस्थली से, ऐसे कर्मस्थली की और भावस्थली की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। जब तक यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं सबको दिखाया जाएगा। अब पूरी गली भर जाती है बच्चों से, ड्रोन को गली में पूरा लेके जाके तरीके से दिखाया जाए। ये देखें, ये एक शानदार सा ये रात का दृश्य है। 12 बजे का साहब, दुनिया की कोई कोचिंग इस बात की कल्पना नहीं कर सकती, रात को 12 बजे से हजारों हजारों बच्चे बैठा के आप इनको, और सब बच्चे सुरक्षित अपने घर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये हमारे सीकर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सीकर का पुलिस प्रशासन हो, सीकर का प्रशासन हो, सीकर के लोकल गार्जियंस हो, सब कोऑपरेट करते हैं। आप समझ सकते हो 12 बजे इस पर बच्चे निकलते हैं तो रोल अकेले हमारा ही नहीं है, सबका रोल है, मोहल्ले वालों का, प्राइवेट हॉस्टल वालों का, हॉस्टल वालों का। और मैं विशेष रूप से आभारी हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन का जो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो भी चौराहे पे गश्त की व्यवस्था करना हो, बच्चे रात को कैंप छूटते हैं सारी व्यवस्था करना हो। अब हम चलते हैं आपके साथ पैदल पैदल। अब आप देखिए यहाँ ड्रोन उड़ रहा होगा, निश्चित रूप से ड्रोन ऊपर जा चुका है और ड्रोन इस पूरी गली को आपको दिखा रहा है। ड्रोन तपोस्थली से लेके कर्मस्थली तक, जो बच्चे पिला ही पिला, सब थोड़ा खेल सोने की खरान हो गई है। अब इधर से हमारे बॉयज की क्लास गेम छूटा है, उधर हमारे कर्मस्थली से हमारी बेटियों और बॉयज वहाँ पहुँच गए, माइंड बैठ खा छूटी है। आप सोच सकते हो क्या आप देख रहे हो ड्रोन, हाँ ड्रोन भी आपको शूट कर रहा है, पूरी गाड़ी आपकी बैक होगी। आप देखो ये हमारे गार्जियन हैं जो रोज अपने बच्चों को लेने आते हैं, सर आप कहाँ रहते हो, फिर बच्चे कैंप भेजते हो, जिस बच्चों की या इच्छा बच्चों की, क्या बात है। रात को 12 बजे का दोस्तों, 12 बजे आप सोच सकते हो क्या, 12 बजे इस प्रकार से बच्चे निकल रहे हैं। चलो बेटा 12 बजे बच्चे निकल रहे हैं, पूरा लगता है सुबह हुई है, 12 बजे निकलो वापस कब होती है, निकल जाते हो दिन सुन होती है आपके आराम से, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तरीका है, ड्रोन सब कुछ कर रहा है।
लग रहा आपके 12 बजे, वो भी दिसंबर की रात के 12 बज रहे थे। दिसंबर में तो रात में ठंड पड़ती है, अपनी रजाई में रहना पसंद करती है। आप एक बात बताएं, आपके पुता के जमाने का बेटा पहले जमाने का है तो क्या कैसा कैसा है? आप देखें कि एक पूरा दृश्य है। सुंदर कैसा लग रहा है सुंदर सर? ये ताकत है बिल्कुल बहुत से सर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस टाइम जैसे आप बच्चे हैं उनके चेहरों पे जो मुस्कान है। हाँ ये देखिए, सुबह उठो 6 बजे के, एक बच्चे से बात करें, रात आप सुबह कब उठते हो? आप तो 12 बजे कोई फेस फेस आपकी कोई थकान नहीं। तो दोस्तों ड्रोन के माध्यम से अभी मैं लाइव जो बोलूँ, ड्रोन के माध्यम से अपना सीन देख रहे हैं कि पूरी गली भरी हुई है। ये शुक्रवाना मेन रोड पे नहीं है, ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा। क्या दृश्य क्या सर? इस तरह का नजारा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। कहाँ सफर हमारे पास आया? जबरदस्त है ये दोस्तों, पूरा सीन है, पूरा सिनेरिया है। आपने कैप बच्चे घूम रहे हैं हमारे, एक रात का सीन छूटा है। मुझे भी कई दिनों बाद रात को कैंप में आने का सौभाग्य मिला है। आप सुबह कब उठते हो? रात को 12 बजे, वो भी फ्रेश फ्रेश, कोई थकान नहीं चेहरे पे, क्या बात है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि रात सुबह 6 बजे उठते हैं बच्चे, उसके बाद अभी रात को 12 बजे उनके चेहरे पे कहीं थकान नहीं है। इसलिए बोलते रहे आदमी काम को इंजॉय जब करता है ना तो थकान नहीं आती है। जब फिर से पूरे कैमरे को दिखाया जाए, सैकड़ों सैकड़ों गार्जियंस थे जो बच्चों लेने आए के लिए आए, और हमारी पूरी टीम जो हमारे सारे वार्डन्स हैं, हमारी बेटियाँ जो है दादी दादी हमारे वार्डन बेटियाँ सब जगह सुख शामिल, और सब लोग अपने घर पे जाएंगे। टीम भी हमारे से इंचार्ज हैं, पूरी टीम आप देखने आई है, और ड्रोन के माध्यम से आज आपको दिखाया पूरी गली भर जाती है। ओके दोस्तों, इसी के साथ लाइव को पूरा करें। आपकी क्लासेज भी रहेंगी सुबह जी जी, तो और कल फंक्शन भी है, पढ़े तो जयपुर फंक्शन भी है, जोधपुर फंक्शन भी है, पलवल फंक्शन है। तो मैं दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि आप जुड़े CLC के साथ। अभी आप JEE और NEET के स्टूडेंट हैं तो JEE की टेस्ट की डेट आ गई है मेरे ख्याल से, अंदर से पता लगा, कोई बात नहीं। 14 फरवरी से हमारा स्टार्ट हो रहा है नीट की बायोकेम डीटीएस, और JEE की भी टेस्ट हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसका भी शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। और इन सभी टेस्ट जो लॉन्च कर रहे हैं, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 17 जनवरी से नेक्स्ट सेशन के हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही CLC का एक बहुत प्यारा स्कूल है, CBSE CES, सीकर का दी बेस्ट स्कूल है वो। तो आप प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 6 से लेकर 10 तक प्री फाउंडेशन है, NDA है, JEE है, नीट है, सारी चीज़ें आपकी CLC करती है। और समर और साहिल सर के दोनों की फुल फ्लेश अब वर्किंग आने के बाद तो पिछले 2.5 महीने में सर स्पीड बहुत अच्छा, बहुत अलग एक्सपीरियंस। आप क्या मानते हो साहिल और समर के फुल फ्रेश आने से क्या हुआ? मेरा साइड मैं थोड़ा सा मेरे काम को लोड कम कर दिया। आपकी जो एनर्जी है वो उसको मतलब बहुत हम ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे एक तो एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, साहिल सर और समर सर इनका इनोवेशन, क्या बात, ये सारी सारी चीज़ें इनका जो सामंजस्य और आपका डेडिकेशन और हमारा डेडिकेशन, हम सबका डेडिकेशन बिल्कुल, और बिल्कुल निश्चित रूप से हम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे संस्थान को, और हमारी जो खुशबू है उसको देश ही नहीं जबकि विदेश तक हम बिल्कुल लेकर के जाएंगे। थैंक यू, ये हमारा संकल्प है भाई सबको। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट ऑल, थैंक यू, ओके, ठीक है, थैंक यू।